चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं, घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं। ये इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको है समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर से जो लोग की नज़र फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने भी विभिन्न बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। पैरा लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर और भील संताल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध ना सका और लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं, उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हैं। हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। पैरा वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है। इनमें चेता, कंजरी, बारामासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउन और भाती वाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में महिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोनी मेहवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान ना देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरवा, बेरहा, धोबिया आदि देहाती में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। पैरा इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। राग तो इन गीतों के आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक
समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जेलों में, विशेषकर बिहार में, विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं है। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है, प्रदेशी प्रेमी की, और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। पैरा जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं, जो अधिकतर विरह आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देती हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। पैरा एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आहला के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ में तो इनका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने अल्लाह उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा, और ये गीत हमारे गाँव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गाँव गाँव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है, जिन्हें नट रसियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक है और इनके अपने बोल हैं। अनतः संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीत की है तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सृजती भी अधिकतर वही है। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। पैरा इस दृष्टि से भारत इस दिशा में भी सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के नहाने जाते हुए राह के विवाह के मटकोड़ ज्योनार के संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले ही नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। गांवों और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं, जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात की जो खंजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है, जो सुनते ही बनती है। पूर्व की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन
गरबा है जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। समाप्त।